रूफटॉप सोलर के लिए सस्ती ब्याज दर पर भी लोन दिया जाएगा। अभी तो उन्होंने कहा 1 करोड़ घर पर रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, 2 किलोवाट तक 60% सब्सिडी मिलेगी, बट रूफटॉप सोलर के लिए सस्ती ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। इसके लिए जो केवल रेपो रेट यानी जो बैंक जो रेट चार्ज कर रहा है उसके ऊपर 0.5% का ही आप ब्याज जोड़कर लगा सकते हैं। तो रेपो रेट के ऊपर 0.5% ब्याज दर रखी जाएगी और उससे ज्यादा रेट पर आप लैंड भी नहीं कर सकते हैं, जहां तक रूफटॉप सोलर की इंस्टॉलेशन की बात है। अनिल जी, एक बार जरा इस खबर का इम्पैक्ट समझना चाहेंगे सर, या देखना चाहेंगे क्या इम्पैक्ट आता है कि जो बैंक रेट दे रहा है उस पर सिर्फ 0.5% का स्प्रेड आप लगा सकते हैं, उसी पर ब्याज देना पड़ेगा। फेस ऑफ इट RECPFC के लिए नेगेटिव खबर है, क्योंकि जब खबर आई थी तब ये था कि REC और PFC के लिए एक बड़ा बिजनेस खुलेगा, इरडा के लिए बड़ा बिजनेस खुलेगा जब ये इन सारे घरों के लिए जो रूफटॉप सोलर लगेंगे 1 करोड़ घरों पे उनके लिए फाइनेंसिंग कर पाएंगे, करेक्ट। अब फाइनेंसिंग तो करेंगे लेकिन ये बोला कि रेपो रेट पे 0.5% ऊपर, राइट। अब एक्चुअली जहां तक मेरी समझ है REC PFC मार्केट में जब पैसा लेने जाते हैं, जो इनका रॉ मटेरियल है, राइट, है ना, जो उधार लेते हैं वो इनका रॉ मटेरियल, वो खुद ही 2% ऊपर लेते हैं, हाँ, तो उनके लिए तो फिर नुकसान हो गया। तो दो नुकसान में कौन काम करेगा, वही तो, हाँ, तो या तो इनके लिए बिजनेस है नहीं, करेक्ट भाई, अगर आपको 0.5% ऊपर ही देना है रेपो रेट पे, ये देखो इन्होंने रेपो रेट लिखा क्लियर कट, यस, रेपो रेट का, तो रेपो रेट के 0.5% ऊपर तो खुद को ही नहीं मिलता, कोई नहीं मिलेगा, तो पैसा देगा कौन, एग्जैक्टली। अच्छा समझो, मान लिया कि गवर्नमेंट ही कह देगी भाई हम आपको रेपो रेट पे दे देंगे, वैसे होना नहीं है, तो भी 0.5% के स्प्रेड में क्या कमाओगे, राइट। तीसरी चीज, अगर समझो मान लो आपने 0.5% ऊपर ही दिया, बीच की अगर 1.5%, 2%, 2.5% की आपकी जो कॉस्ट जो आपको कम मिल रही है वो कहाँ से आएगी, या तो आप नुकसान में करो, राइट, जो ये करेंगे नहीं, नुकसान में कौन करना चाहता बिजनेस, या फिर गवर्नमेंट सब्सिडी दे, तो फिर वही सब्सिडी मतलब ये कि लाओ कब दोगे, कितनी दोगे, कैसे दोगे। सो आई थिंक जो हम सोचे थे, अगर मैं सही इसको समझ रहा हूँ, तो ये कि जब हम सोचे थे कि PFC REC इरडा के लिए एक अच्छा बिजनेस मॉडल बन सकता है, इनके लिए लैंडिंग की अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है, वैसा दिख नहीं रहा दीप। ये जो इन्होंने इनको उधार देने की जो प्राइस फिक्स कर दिया ना, इनके मार्जिन कहाँ से आएंगे भाई, कहाँ से आएंगे, करेक्ट, निम्स पर इम्पैक्ट है डायरेक्ट। देखो ये इन कंपनियों के लिए अच्छी है जो रूफटॉप वगैरह ये सोलर रूफटॉप बना रहे हैं, उनके लिए तो बढ़िया है, करेक्ट, अगर सस्ता पैसा मिल जाए, Absolutely. कम ब्याज पे मिल जाए तो लोग ज्यादा लगाएंगे, लेकिन देगा कौन सवाल है? बैंक रेपो रेट के 0.5% ऊपर तो बैंक को, रेपो रेट पे तो बैंक को ही नहीं मिलता पैसा, रिवर्स रेपो मिलता है, करेक्ट। है ना, तो आएगा कैसे काम, करेक्ट। बताइए वरुण जी, आपका तो सेक्टर है, था कि इनकी एवरेज जो रेट्स देते हैं ये कितना से कितना तक के बीच में रहता है, तो हर एक प्रोजेक्ट का अलग अलग होता है, और मिनिमम मैं देख रहा था कि 8.5% के आसपास था, और वहां से लगे 11% के आसपास, ये रेंज है 11% के रेंज में ये उधार देते हैं, ये उधार देते हैं, अभी रेपो रेट आपकी 6% के आसपास चल रही है, 6.25 2% का फर्क है ना, 2% तो ये तो नॉन स्टार्टर हो जाएगा REC PFC के लिए। कोशिश करो मैनेजमेंट को बुला के बात करके देखते हैं, ऑन द फेस ऑफ इट तो ये थोड़ा मामला मुझे ढीला सा लग रहा है। जैन साहब, कोई इनसाइट विशेष टिप्पणी देना चाहेंगे अगर आप इससे समझे हो तो? बिल्कुल समझ रहा था, वो जब स्पीच दिए थे तो ये पर्टिकुलर जो चीज थी ये कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया, और जो कंपनियां बनाने वाली कंपनियां उनके लिए तो बहुत बढ़िया। बट अगेन देखिए, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है और अगर पूरे सेक्टर के लिए कोई चीज नेगेटिव होती है तो हो सकता है कि इसके ऊपर फाइनर पॉइंट्स और आएंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि REC PFC इरेडा और ये जो कंपनियां अगर ये सिर्फ इतने से मार्जिन्स पे करेंगे, इनकी भी एक NIM होती है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, और जो ओपेक्स है इन सब का अगर नहीं निकलेगा तो ये लोग भी नहीं देंगे, और जब ये नहीं देंगे तो सर्टेनली गवर्नमेंट जो इतनी बड़ी पॉलिसी लेके आई है तो इस पे कुछ ना कुछ रीलुक करके हो सकता है कि इनको भी सबवेंशन दिया जाए या इनको फर्दर सब्सिडाइज करे, जैसे अगर हाउसिंग फाइनेंस में देखते हैं NHB और ये सब के थ्रू कुछ होता, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा। सो लेट्स सी, वी शुड वेट फॉर सम मोर फाइनर पॉइंट्स, क्योंकि अगर ये चीज होती तो मार्केट में जो वॉलिटिलिटी चल रही है REC PFC उस हिसाब से नेगेटिवली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो, मे बी कल फाइनर पॉइंट्स आए उसके बाद और रिएक्ट कर जाए, बट कुछ ना कुछ और आने को है, क्योंकि इतने कम मार्जिन पे कोई भी NBFC या कोई भी फाइनेंस कंपनी वैसे सस्टेन नहीं कर पाएगी।